मेरे साथ है डॉक्टर रजनी यादव, ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुकोवा की डायरेक्टर, और इन्होंने अपने पिताजी के गुरुजी प्रोफेसर राजपाल यादव और उनकी पुत्र वधु शशि प्रभा यादव को आमंत्रित किया है शिक्षक दिवस पर। मैम, आपको इस शिक्षक दिवस पर इन्होंने आपने आमंत्रित किया, इसका क्या उद्देश्य है, जरा विस्तार बताइए। इसका उद्देश्य ये धरोहर हैं
मैं अगर कहूँ तो पूरे हिंदुस्तान की, क्योंकि 90 प्लस की एज में आपके अंदर इतनी ऊर्जा अभी भी है इस समाज को देने के लिए। और वास्तव में अगर शिक्षक दिवस जिस चीज़ के लिए समर्पित किया गया था, शिक्षकों का वास्तविक सम्मान, यदि हम ऐसी धरोहर का करते रहेंगे तो आने वाले समय में मुझे लगता है जैसे सेना पर जाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए कि जब शहीद होता है तो उसे परमवीर चक्र मिलता है। यदि हमारे जीवित ऐसे महान व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया, इनके कार्यों को इनके सामने कहा गया, तो फिर कोई वक्त नहीं कि हम इनके बाद इन्हें याद करें। ये माननीय मुलायम सिंह जी के गुरु जी हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के, और जो इस समय सांसद उदय प्रताप जी के गुरु, न जाने कितने शिष्य इन्होंने ऐसे दिए हैं जो इस समय देश में चमकते हुए सितारे बने हैं। ऐसे गुरु का यदि ज्ञानदीप सम्मान कर रहा है, ज्ञानदीप परिवार, और तो और हमारे बीच वरिष्ठ जो लोग हैं इनके गुरु, गुरु जी के जो शिष्य हैं वो सभी बड़े बड़े पदों पर प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं, तो मुझे तो अपने आप में इतनी सुखद अनुभूति हो रही है कि एक बहू बेटी जो बन के इनका पालन पोषण अब इस समय एक बच्चे की तरह कर रही है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है समाज के लिए। यदि हम लोगों ने अपने खजाने को ऐसे संरक्षित कर लिया तो देश तो धनी है ही है, और गुरुजन इस तरह अगर पूजित होते रहे तो कम से कम हम लोगों के लिए एक सही ठोस मजबूत समाज बनाने में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ऐसी बेटी का जिनकी वजह से हम इनके साथ हैं। शशि प्रभा जी, आपसे एक सवाल है। जिस तरह आज देश में माहौल चल रहा है, और मुझे नेशनल न्यूज को सूत्रों से ज्ञात हुआ है कुछ ऐसा कि आप बहू हैं इस घर की और आप बेटी की तरह अपने ससुर जी की सेवा कर रही हैं, इसमें आपका क्या उद्देश्य है या आप समाज को क्या मैसेज देना चाहती हैं इसके बारे में? मैसेज यही देना चाहती हूँ, ससुर ससुर नहीं होते हैं, वो एक पिता के रूप है, पिता की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। और ससुर में और फादर में कोई अंतर नहीं है, और आज हम इनकी सेवा करेंगे तभी आगे जाके हमारी सेवा हमारे बच्चे करेंगे। हमारी माँ हमारे बाबा जी कितनी सेवा कर रही है तो कल वो हमारी जाके बुढ़ापे में सेवा करें, और एक अच्छे उनके अंदर विचार आए, अच्छी सोच आए, और यही सब। आजकल की नई बहुओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आजकल की बहुओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बहुओं अपने को, आप ये जिस घर में जा रही हैं उस घर को रोशन करना है, उस घर के वृद्धों को अपने पूजनी है, वो आपके लिए उनकी पूजा करिए, उनके बच्चे की तरह सेवा करिए। कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारी बहू नहीं बेटी है, बेटी की तरह सेवा करिए उनकी। धन्यवाद। नेशनल न्यूज उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ दीपक तरंगा, ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सुकौबाद। हाँ सर जी, इस स्कूल का रजनी मैम, सारे सीनियर लोग, इतने स्टाफ, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, हमारे पापा का मेरा सबका इतना सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी बेटी का जो सेवा कर रही है, और मैं इस परिप्रेक्ष्य में एक बेटी के नाम एक मुक्तक कहना चाहता हूँ कि बेटी खुदा का नूर है, बेटी खुदा का नूर है, इबादत से कम नहीं, बेटी खुदा का नूर है, इबादत से कम नहीं, जन्नत का कोई नूर है, इनायत से कम नहीं, कि बेटी के आंसुओं को किसी शायर ने पढ़ लिया, बेटी के आंसुओं को किसी शायर ने पढ़ लिया, बेटी किसी कुरान की आयत से कम नहीं। एक्सलेंट। नमस्कार। एक्सलेंट।